क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको दिया है, ए पॉइंट दिया है 3 और 4 एंड बी इक्वल टू है 2 और 1, ठीक है। ए सी इक्वल टू 2 BC और ए सी बी सी 2:1, क्लियर। तो अब यहाँ पे पॉइंट को रख लो, ए आपका हो जाएगा -3 और 4, बी आपका हो जाएगा 2 और 1, सी हो गया H, K, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए यहाँ पे रेशो दिया है 2:1, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए H की वैल्यू 1/3 और K की वैल्यू 2, क्लियर हुआ। सेकंड पे आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में है -10 और 8, -6 और 12, और ये हो गया 8 और 10, λ1 रेशो है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 यही है, किन्हीं दो चलिए यहाँ पे 4 -2 और -2 और 4, ये हो गया λ और 1। सॉल्व किया, -2 λ और 4 λ+1, 4 λ2 और λ+1, ठीक है। अब पॉइंट कंपेयर कर दो, +4 λ+1 = 8, ठीक है। तो λ = -2:1, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जो रेशो आपका निकला है, ठीक है। रेशो को आप बोल सकते हो रेशो 2:1, ये एक्सटर्नली होगा आपका, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड में बोला है आपसे रेक्टेंगल ABCD द डायगोनल आर इक्वल, ठीक है। सो AC इक्वल टू BD। नाउ लेंथ ऑफ BD 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये आ गया 5, ठीक है। तो लेंथ आपकी 5 आ गई, तो BD इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। फोर्थ पे आ जाओ, ट्रायंगल आपको दिया गया है ABC, ये है आपका L, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है ट्रायंगल ABC ए इक्वल टू -3,0, बी इक्वल टू 4-1 एंड सी इक्वल टू 5,2। बी सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 10 स्टेन फॉर्मूलों से, ठीक
ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, तीनों पॉइंट आपको पता है, ठीक है, तो 1/2 -3 0 4 -1 5 2 1 1 1 इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 ऐसा ही है, कर्ली ब्रैकेट लगा लो, -3 तो ब्रैकेट लगाएं तो ये हो जाएगा -1 -2 0 जीरो मल्टीपाई जीरो है तो जीरो ही लिख दो उसको, ऐड पूरे को 1, तो ये हो गया आपका 8+5, ठीक है, 1/2 आपका ऐसा ही है, ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9+13 22/2 11 ये आपका आंसर आ गया, फोर्थ का 11 आ गया। फिफ्थ पे आ जाते हैं, फिफ्थ पे आपका ये ए बी और सी, यहाँ पे ये इधर गया, ठीक है, और ये इधर गया बीच में से, ठीक है, चलिए एक्स वाई जेड ये होगा, तो यहाँ पे पहला ये पॉइंट ले लो एक्स वन बाई वन, बी वाला पॉइंट एक्स टू बाई टू, सी वाला एक्स थ्री और बाई थ्री, डी पॉइंट हो जाएगा एक्स टू अपॉन एक्स थ्री अपॉन टू, वाई टू वाई थ्री अपॉन टू, यहाँ पे आपका एक्स वन कॉमा वाई वन ये हो जाएगा 2,3, ठीक है, पी और क्यू 7,5, जी जो है सेंट्रॉइड है, तो पी और क्यू, ठीक है, जो आपके थे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अपॉन थ्री, वाई वन वाई टू वाई थ्री अपॉन थ्री, ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अपॉन थ्री इक्वल टू 7, वाई वन वाई टू वाई थ्री अपॉन थ्री इक्वल टू 5, ठीक है, तो यहाँ पे 2x2x3 इक्वल टू 21, 3y2y3 इक्वल टू 15, ठीक है, तो x2+x3 इक्वल टू 19, y2y3 इक्वल टू 12, सॉल्व करो तो ये हो जाएगा डी पॉइंट 19y2 12y2, तो ये हो गया आपका 19/26, ठीक है, चलिए सिक्स पे आ जाते हैं, ए माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2-4 का स्क्वायर 8 स्क्वायर, ठीक है,
तो ए कैलकुलेट करो, ए 3 का स्क्वायर 6 2, ए माइनस 3 प्लस माइनस 2 √15, ए इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2 15 हो गया। नेक्स्ट पे आ जा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। लेट द पॉइंट एक्स और वाई ए डी डी और सी, ये रहा। इसमें फर्स्ट पॉइंट ले लो, पॉइंट डी जो होगा एक्स वाई डिवाइड ए डी इन 1:2, एक्स इक्वल टू 09.3 इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 0.12 3 इक्वल टू 4। सेकंड वाला नाउ सी इक्वल टू एक्स कॉमा वाई डिवाइड 2:1, एक्स इक्वल टू 0 प्लस 18/3 इक्वल टू 6 एंड वाई 0 प्लस 24 3 इक्वल टू 8। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 पे आ जा, ठीक है। परपेंडिकुलर वाई सेक्टर है, ए है आपका 1/3 एंड बी है आपका -3/5 इज 2x x1 - x2 2y y1 - y2 x1 y1 का स्क्वायर -x2 और y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इनके पॉइंट पुट कर लो, तो 2x1 + 3 2y 3 - 5 1 + 9 9 + 25, तो जो आपका निकला है x - y - 2 = 0। पॉइंट यहाँ पे लिखोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आई इज पी -8/10 देन पी ए इक्वल टू 1 + 8 का स्क्वायर 3 + 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 81169 250, तो ये हो गया आपका 5/10। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं।
गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस फोर वाई सेकेंड इक्वेशन, और थर्ड है एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फोर थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इन सभी इक्वेशन से अगर आप पॉइंट निकालोगे तो टू माइनस टू बी निकलेगा, वन वन सी निकलेगा, माइनस टू और टू। तो ए बी डिस्टेंस आप निकालोगे अंडर रूट टेन, बी सी डिस्टेंस निकालोगे आप अंडर रूट टेन, और सी ए निकालोगे या ए सी अंडर रूट थर्टी टू। ठीक है, तो ये दो साइड इक्वल हैं तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये दो साइड इक्वल हैं तो आइसो ट्रायंगल हो जाए। अब आ जाओ दसवें पे, टेंथ वाले पे, डी बी सी अपॉन ए बी सी बनवाई, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ डी बी सी ए बी सी टू फोर्टीन माइनस सेवन फोर्टी और टू, सॉल्व करो इसको, एक्स की वैल्यू सेवेंटी सेवन अपॉन सिक्स इलेवन अपॉन, क्लियर हुआ।